हे गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। और आज है जुमा का दिन और चलते हैं मिसवाक करते हैं और आज का ब्लॉग शुरू करेंगे अपने ये यूट्यूब रूम से। आज सुबह का सबसे पहला काम अपना फेसबुक मार्केट से टाटा एस को निकाल देना। फाइनली डन। हे गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। और मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि कल मैंने अपना जो छोटा हाथी सेल किया था, तो सेल करने के लिए मैं NH 37 गया था और वहाँ पे हमने सेल कर दिया। और जो ओनर था वो ओनरशिप ट्रांसफ़र करने के लिए एक ब्रोकर से बात किया था। इससे पहले भी मैंने अपना ओनरशिप और बैंक का हाइपो उठाने के लिए अप्लाई किया था ऑनलाइन से, तो ऑनलाइन पे हुआ क्या, मेरा पाँच से छः महीना रोक दिया गया, होल्ड पे ले गया गया। होल्ड पे क्यों था, तो उन्होंने बोला कि पैन कार्ड सही अपलोड नहीं है, एक छोटा सा माइनर रीज़न दिखा के होल्ड कर दिया। तो मैं डिब्रूगढ़ RTO गया था और RTO जाके के मुर्मू से मिलकर वो क्लियर करके वीडियो मैंने डाला है अपने चैनल पर। अभी क्या हुआ कि मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि कल मैंने जब सेल किया, 2:30 बजे गाड़ी सेल किया, 2:30 बज रहा था, 2:30 बजे मैंने गाड़ी सेल किया और आधार से उसने एक ब्रोकर से बात किया कि हाँ ओनरशिप के ट्रांसफ़र करना है, कितना लेंगे, तो उसने बताया 3500 रुपया, 3500 उसने बताया। तो जो ख़रीदा है वो बोल रहा ठीक है, अब कर दो तो कैसे करना होगा, तो आधार का OTP चाहिए। तो मैंने भी दिया, उसने भी दिया और शाम को मैं उसे मालगड्ढा में गाड़ी हैंड ओवर करके आया। अभी जस्ट मॉर्निंग 9:30 हो रहा है, मैंने चेक किया, ये अब चेक करो, ओनरशिप ट्रांसफ़र हो गया। और हम खुद से करें, सेल्फ करें, तो ये आधार चाहिए, पैन कार्ड चाहिए और अपलोड सही चाहिए, फ़ोटो चाहिए, बहुत कुछ चाहिए। और ब्रोकर करे तो कुछ नहीं चाहिए। मैंने आधार उसे नहीं दिया जबकि मैं ट्रांसफ़र करने गया था, तो मुझसे आधार भी वहाँ पे अपलोड करवाया गया था, पर उसने जो ब्रोकर ने ट्रांसफ़र किया उसे आधार भी नहीं लगा, वो सिर्फ 3500 रुपया लिया और OTP लिया। OTP देने के बाद अभी ओनरशिप आप देख सकते हो, ये ओनरशिप ट्रांसफ़र हो गया हुआ। ये देखो मेरे गाड़ी का नाम यहाँ पे मेहताब खान होना चाहिए, पर यहाँ पे देखो उसका नाम आ गया हुआ। ये शाम कल हमने सेल किया और आज ओनरशिप। इतना फास्ट सर्विस, यही सर्विस जब हम एम परिवहन पे जाते हैं तो क्यों नहीं मिलता है, आप बताओ। अगर आप में से किसी ने ओनरशिप ट्रांसफ़र किया, ये प्रॉब्लम फेस करने के लिए मिला, तो आप मुझे जरूर कमेंट में बताना। और मैं ये एक बार अगर ऐसा मेरे पास कुछ कमेंट आया तो मैं RTO में भी जाकर इस बात को पूछूंगा कि दलाल करे, ब्रोकर करे तो फास्ट होता है, हम करें तो क्यों नहीं फास्ट होता है। ये तो हम भी उसी पोर्टल से कर रहे हैं और हमारे यहाँ आसाम में हिमंत बिश्व शर्मा सर ने बोला है कि किसी तरह का यहाँ पे ब्रोकर गिरी नहीं चलेगा।